हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग देख रहे हैं। इसमें अब हम ये भाग 3 के अंतर्गत औद्योगिक विकास का अनूठापन देखेंगे। औद्योगिक विकास का अनूठापन, क्योंकि भारत में औद्योगिक उत्पादन के वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह से दिलचस्पी थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार जो थी वह सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय कॉफी और इस तरह से बगान लगाए, जिसमें कि खनन और नील की जूट के व्यवसाय के लिए पैसे निवेश किए जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उनमें भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इस कारण जो चीजें बनती थी उसमें क्या होती थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश मालों को जो थे, ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूती धागों का निर्माण होता था और वह भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोटा धागा होता था वह बुनकर ही इस्तेमाल करते थे। फिर 20वीं सदी में जो औद्योगिकरण के जो दर्रे में कई ऐसे बदलाव आए, जिसमें कि जो बदलाव आए उसमें जो स्वदेशी आंदोलन के जो थी गति में मिलने से राष्ट्रवादियों को सीधे जो है विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वहां पर क्या होता था, इसमें स्वदेशी आंदोलन जो था उसको गति मिलने में राष्ट्रवादियों को प्रेरित मिला। और उसके साथ साथ 1906 के बाद जब चीन भेजे जाने वाले जो भारतीय धागे के निर्यात की कमी आने लगी, तो चीनी बाजार में भी चीन और जापान की मिलों में उत्पाद जो था वे छा गए थे। इसके फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे थे, जो 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो था दोगुना हो गया था। इस तरह से पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास का धीमा रहा, लेकिन उसके एक बिल्कुल नया स्थिति जब पैदा हुई थी, युद्ध के में एक नई स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें कारखाने जो है सेना की जरूरतों को पूरा करते थे, युद्ध संबंधी उत्पादों में व्यस्त हो गए थे और भारत में मैनचेस्टर के माल का जो आयात जो था कम हो गया था, और साथ ही बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था, जिसमें कि जो फौज के लिए जूट की बोरियां बनाई जाती थी, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े बनाए जाते थे, टेंट बनाए जाते थे, चमड़े के जूते, घोड़े के खच्चर की जीन आदि जो है यह इस तरह से जो बनाने के लिए नए कारखाने लगाए गए थे। फिर उसके पुराने कारखाने में कई पालियों में चलने लगे थे, क्योंकि ये उत्पादन इसलिए होने लगे थे, युद्ध के कारण जो है मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उत्पादन अधिक से अधिक करना होता था और जो जरूरतें थी उसको पूरा करना आवश्यक हो गया था। युद्ध के बाद जो है भारतीय बाजार में मैनचेस्टर जैसे पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि आधुनिकीकरण होने के कारण यहाँ पर अमेरिका जो थी, चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ गया था, और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़ों का निर्यात जो है इस तरह से निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई थी, और विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों घरेलू बाजार में कब्जा कर लिया था। फिर लघु उद्योगों की बहुत आया, लघु उद्योग थे बहुत मात्रा में पाए जा रहे थे, क्योंकि हालांकि युद्ध के समय फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ था, लेकिन ज्यादातर अर्थव्यवस्था जो विशाल उद्योगों से उत्पादित था। इस तरह से हम देखेंगे कि जो छोटा हिस्सा ही बहुत काम करता था वह संख्या जो 1911 में 5% जो है, 1931 में 10%, इस तरह से मध्यम गली मोहल्लों में स्थिति जो छोटी छोटी वर्षा घरेलू इकाइयों काम करते थे। कुछ मामलों में जो था वह 20वीं सदी के दौरान हाथ में होने वाले उत्पाद असल इजाफा हुआ था, क्योंकि हथकरघा क्षेत्र के बारे में सही और उस तरह से उनसे हमने पीछे चर्चा की थी कि मशीन से निर्मित धागे 19वीं सदी के कताई उद्योग के खत्म कर दिया था, और साथ ही साथ कई समस्याओं के बावजूद भी बुनकर जो है अपना व्यवसाय में करना चाह रहे थे, क्योंकि मशीन से जल्दी निर्मित हो जाता था, हथकरघा में उसमें समय लगता था। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का जो हाथ था उससे जो इजाफा ना हो, उत्पादन बढ़ सकता हो, और हाथ से काम करने वालों के प्रति जो है तकनीकी अपनाने और उत्पादन बढ़ सकता था, जिससे कि हम आसानी से, और ऐसे हम देखेंगे कि ऐसे बुनकरों को देखते हैं जिसमें कि फ्लाई शटल से बनाने वाले कार्गो और इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ 35 भारत में 35% से ज्यादा हथकरघा फ्लाई शटल लगे होते थे, और वह उससे ही कार्य करते थे, उससे ही बुनाई करते थे। इस तरह से बुनकर जो है कपड़े की बुनाई का कार्य करते थे।
कई मिलों में जैसे के साथ साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला को कर पाने में कुछ बुनकर जो है औरों से बेहतर स्थिति। 19वीं सदी के आखिर निर्माता और उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे और साथ ही साथ अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़े लिखे लोग भी इससे समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाती थी जो पढ़ा नहीं हो सकता। लेकिन चाय की दुकान, दफ्तरों, मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटकते रहते थे और इन कैलेंडरों को लगाते थे और विज्ञापन का भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इससे कैलेंडर में नए उत्पादों को बेचने के लिए कई बार देवी देवताओं की तस्वीर लगाई जाती थी और देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राटों, नवाबों की भी तस्वीरें विज्ञापनों कैलेंडर में खूब इस्तेमाल किया जाता था। और इसके माध्यम से ही संदेश जो है लोग अक्सर पर यह होता था कि जो शाही व्यक्ति सम्मान करते थे उत्पादन सम्मान कीजिए, और साथ ही साथ गुणवत्ता पर सवाल भी नहीं किया जाता था। भारतीय निर्माता जो होते थे वे भी विज्ञापन बनाए और उन्हें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। आशा यह था कि राष्ट्र की परवाह करते थे और साथ ही साथ चीजों को खरीदते थे जिससे भारतीयों ने बनाया है, और इसमें जो विज्ञापन जो था स्वदेशी राष्ट्रवादी संदेश का भी वाहक बन गए थे। इस तरह से हम देखेंगे कि जाहिर है उद्योगों के युग में बड़े बड़े औद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ, साथ ही साथ औद्योगिक श्रम शक्ति का अस्तित्व भी आई, और इस तरह से हाथ से बनने वाली चीजें छोटे छोटे पैमाने पर होते थे और उत्पादन औद्योगिक आदर्श से एक ऐसी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया जिससे कि कई छवियां दर्शाती। जिस तरह से आप लोग वर्तमान में भी देखते होंगे कि जो विज्ञापन के जरिए छोटी छोटी सी चीजें जो होती है, बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो उसमें कार्य करते हैं, उस विज्ञापन में कार्य करते हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह किस कंपनी का उत्पादक है भी हम उससे पता चलता है और हम उसको आसानी से खरीद लेते हैं। इस तरह से वस्तु जब उत्पादित होता है तो उसे बेचने के लिए विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं और अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक हमको लाभ की प्राप्ति हो सके।